दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मामला अवैध संबंधों के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। घटना राजेंद्र पार्क थाने के पास की है। आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद थाने में पहुंचकर सरेंडर किया और हत्याकांड की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के राजेंद्र थाना पार्क इलाके में एक मकान मालिक को शक था कि उसके पुत्र वधु के किराएदार के साथ अवैध संबंध हैं। इस शक में मकान मालिक ने पुत्र वधु किराएदार, किराएदार की पत्नी और उसके दो बच्चों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मकान मालिक ने पास में ही स्थित राजेंद्र पार्क थाने में जाकर सरेंडर भी कर दिया। वारदात को सुनने के बाद थाने में पहुंचकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, जहां एक शख्स ने का खुलासा किया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और सरेंडर किया। हत्या आरोपी को अपनी पुत्र वधु और किराएदार के बीच अनैतिक संबंधों का शक था, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या हुई है और आरोपी क्या पुलिस गिरफ्त में है? अभी ऊपर चार मृत शरीर हैं, चार डेड बॉडी हैं जिनकी की हत्या हुई है और आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। सर, इसमें आ रही थी खबर कि दो बच्चे हैं और दो महिला और एक आदमी है, पांच लोगों का है, तो क्या उसमें क्या कोई घायल भी है इसमें? वो डिटेल आपको हम थोड़ी देर में उपलब्ध करा देंगे, अभी सारा कुछ जांच का विषय है। क्या किसी गोली वाली मारी गई है या किस प्रकार? नहीं, गोली नहीं है। प्रथम दृष्टिया जो दिखाई दे रहा है वो ये पता चल रहा है कि तेज धार हथियार से ये वारदात की गई है। आरोपी ने खुद सरेंडर किया है? वो अभी सारी जांच का विषय है, आपको जल्दी सारी डिटेल बता दी जाएगी। घायल भी अभी बता रहे हैं, घायल है? हाँ, एक बच्ची घायल है जिसको कि हॉस्पिटल भेजा गया है। क्या कुछ पता लगा कि तो शुरुआत में क्या कुछ वजह रही? वो आपको सारी डिटेल बता दी जाए। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूल।